दोस्तों, आपने ट्रेन के कई ऐसे खतरनाक रास्ते देखे होंगे जहाँ से ट्रेन के गुजरने पर उसमें बैठे सभी लोगों का दिल सहम जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार दुनिया में मौजूद वो खतरनाक रास्ते और उन पटरियों पे गई जाने ट्रेन में बैठे यात्रियों को याद आते ही उनका सारा ध्यान उन दुर्घटनाओं पे ही चला जाता है और जिसके चलते वो ट्रेन के सफर को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने दुनिया की कई ऐसी रेल पटरियां लेकर आए हैं जहां से ट्रेन गुजर भी सकती है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता और अचानक से ही ट्रेन वहां से गुजरने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कई ऐसे ही रेल मार्गों के बारे में बताएंगे जिन्हें देख आप भी चौंक जाएंगे। पोर्ट बाकू रेल मार्ग। दोस्तों, कैसा हो अगर आप सड़क पर अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो और अचानक से आपके बगल में से ट्रेन रोड क्रॉस करने लग जाए, वो भी बिना किसी वार्निंग को दिए। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो फुटेज गलत है, क्योंकि वीडियो में दिखाई गई ट्रेन बिना पटरी के कैसे चल सकती है और इस वीडियो में ट्रेन पटरी की जगह रोड पर चल रही है। तो आपको बता दे कि ट्रेन असल में पटरी पर ही चल रही है, लेकिन वीडियो बनाने वाला व्यक्ति इसे काफी दूर एक कांच की बिल्डिंग से फिल्मा रहा है, जिसके चलते इस वीडियो में वो पटरियां नजर नहीं आ रही हैं। अब एक बात जो हमारे दिमाग में जरूर आई होगी, हमारे देश में तो हर रेलवे क्रॉसिंग पर इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, फिर भी बावजूद इसके हमें रोजाना कई तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। फिर ये तो एक खुला रेल मार्ग है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता? दरअसल ये बता पाना तो मुश्किल है इन पटरियों को खुला क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आप इस सिटी को देखेंगे तो ये आपको एक वेल मेंटेन सिटी दिखाई देती है, बावजूद इसके यहाँ की खुली पटरियाँ सबको सोचने पे मजबूर कर देती है। गिस्बोन एयरपोर्ट। न्यूजीलैंड में बने गिस्बोन एयरपोर्ट को दुनिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट माना जाता है जहाँ एक ट्रेन इजाजत ना दे तो प्लेन उस ट्रैक पे नहीं उतर सकता। आपको बता दे, ये एयरपोर्ट न्यूजीलैंड का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जिसमें साल भर में 15 लाख से ज्यादा यात्री इसे यात्रा करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। सोच के देखिए कितना एडवेंचरस हो जाता है ये सफर उन दोनों यात्रियों के लिए जो उस समय उस ट्रेन और प्लेन में बैठे होते हैं, जिन्हें एक पल तो ऐसा लगता है मानो उनकी जान गई समझो। लेकिन इस एडवेंचर को वहाँ की गवर्नमेंट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2005 में इसे बंद कर दिया था, ताकि इससे होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। जिगजैग ट्रैक। उत्तर जर्मनी में बनाई गई इन पटरियों को दरअसल वहाँ बनी खदानों से सामान ले जाने के लिए इन्हें काम में लिया जाता है, लेकिन इन पटरियों की हालत ऐसी है कि कभी भी इन पर चलने वाली ट्रेन पटरियों से उतर जाए कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बावजूद इसके इन पटरियों की मरम्मत इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इन पटरियों के स्थान को कुछ ही दिनों में चेंज किया जाता है और रोजाना इन पटरियों की मरम्मत करना वहाँ से निकलने वाले कच्चे सामान की रेट काफी बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर हमें इस वीडियो पर 200 लाइक मिले तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुनिया के सबसे खतरनाक एरोप्लेन ट्रैक लेकर आएंगे, जिनमें प्लेन को उतारना मानो अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।